अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडर में एनिमेशन कैसे रेंडर करते हैं। मेरे पास एक एनिमेशन है, इसे मैं रेंडर करूंगा। अगर ये देख लें, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एनिमेशन, अगर आप ये एनिमेशन भी सीखना चाहते हैं तो उसका भी ट्यूटोरियल या आज ही अपलोड हो जाएगा या कल अपलोड हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एनिमेशन कैसे रेंडर करते हैं ब्लेंडर में। तो सबसे पहले आप इस कैटेगरी में जाएंगे, जो आपने साइज रखना है वो रेजोल्यूशन आप देख लें, आपकी अपनी मर्जी का स्टैंडर्ड ये होता है। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे तो ये इतनी काफ़ी है, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने फ्रेम्स देख लें, 24 FPS स्टैंडर्ड है तो इतना मेरे से काफ़ी रहेगा। तो उसके बाद अब हम लोग अब आउटपुट सेक्शन में जाते हैं, तो FFmpeg फाइल फॉर्मेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आमतौर पर PNG डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपने FFmpeg करना है। उसके बाद कोडिंग कैटेगरी में आ जाते हैं, कंटेनर में MPEG-4 चेंज कर दिया, और वीडियो कोडेक के अंदर भी MPEG-4 DVX कर दिया। ये मेरे अपनी चॉइसेस हैं। और आउटपुट क्वालिटी आप, अगर ये वाला सीन मिशन है इसलिए मैं कॉन्स्टेंट बिटरेट कर रहा हूँ। अगर आपने कोई मतलब कोई लेस कॉम्प्लेक्स सीन है इसमें मिशन कम है तो आप लॉसलेस या प्रोपेशनली लॉसलेस भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसके लिए कॉन्स्टेंट बिटरेट रख रहा हूँ। और उसके ऊपर बाद फिर हम लोग ऊपर जो आउटपुट जहाँ पे हमने इसे एक्सपोर्ट करना है, जहाँ पे चाहते हैं फाइल सेव हो, क्लिक करें तो मैं डेस्कटॉप पर रखना चाहता हूँ, और उसका नाम फिर दे दें और फिर से एक्सेप्ट कर दें। ये सारा कुछ करने के बाद ऑडियो अगर फाइल है कोई तो वो बीच में ऐड यहाँ से आप कर सकते हैं, और उसके अब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद रेंडर, और रेंडर एनिमेशन कर दें तो उसके बाद आपकी एनिमेशन रेंडर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ सीखने को कुछ मिला होगा। तो मैं और वीडियोज बनाता रहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।